हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोना लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया आप लोगों के प्यार के लिए, जिनकी वजह से मेरा आज चैनल जो है 1K कंप्लीट हो गया है, इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहना ताकि 4K भी जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू सो मच गाइज। और आज का वीडियो है एक अनबॉक्सिंग पे। मैंने कुछ यूटेंसिल्स लिए हैं किचन के लिए और ये पेड प्रमोशन नहीं है गाइज किसी भी ब्रांड के लिए, पहले ही बता दूं। ये सिर्फ मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी आपसे आगे। अभी मैं अनबॉक्सिंग शेयर कर रही हूं पर आने वाले टाइम में मैं आपको इसका रिव्यू भी दूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं फ्यूचरा के प्रोडक्ट्स, क्योंकि फ्यूचरा के मैंने पहले भी यूज़ किया है तो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा है। तो मैंने और भी लिए हैं देखने के लिए अलग अलग मटेरियल में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। तो पहला प्रोडक्ट जो मैं आपके सामने अनबॉक्स करने जा रही हूँ वो है हांडी, कुक एंड सर्व हांडी सॉस पैन 3 लीटर्स का मैंने लिया है। और इसका जो है आपको सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इसकी 5 ईयर्स की वारंटी होती है गाइस। तो सबसे अच्छा ब्रांड भी है और हॉकिंग्स हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। तो इसके साथ आपको एक बुकलेट मिलेगी और इस बुकलेट में जो है बहुत सारी रेसिपीज दी हुई हैं, जिसे अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपीज होती हैं। और साथ में हमें इसका एक वार्निंग लेटर मिलता है कॉजन कि आपको क्या चीज़ यूज करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो इस सब की चीज़ है। सबसे बड़ी बात कि इसमें 5 ईयर्स की वारंटी है गाइस। प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो ये 5 साल तो क्या ही 10 साल भी चलेगा आराम से। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, इसमें ये हमारा हांडी कुकर है, आप या सॉस पैन बोल सकते हो। इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं, आप इसमें बिरयानी बना सकते हैं, आप इसमें अपनी ग्रेवी बना सकते हैं, अंडा कड़ी बना सकते हैं, दाल फ्राई कर सकते हैं। तो ये किसी भी चीज़ के लिए, राइस बना सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मटेरियल है गाइस, ये नॉनस्टिक मटेरियल नहीं है, ये इसका एक लिड है, बहुत ही हल्का है लेकिन बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। और ये जो आप देख सकते हैं, ये देखने में नॉनस्टिक लगता है बट ये नॉनस्टिक नहीं है। ये सारा मटेरियल जो है वो एक ही मटेरियल का बना है, हार्ड एनाइज्ड। हार्ड एनाइज्ड का मतलब है कि इसमें कोई भी लेयर नहीं है और इसमें कोई भी कोटिंग नहीं है। जैसे कि हमारे नॉनस्टिक पैन्स होते हैं, उसकी कोटिंग्स जब निकलती हैं तो हमारे खाने में भी आती हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई स्क्रैच नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। और क्योंकि मेरे पास ये पहले भी इसका जो है कढ़ाई मैंने यूज़ की है, तो इसीलिए मैं आपको इस एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। हाँ, खाना इसमें स्टिक हो जाता है बिकॉज इट्स नॉट अ नॉन स्टिक। तो उस केस में आप जिस तरह का खाना बनाएं उसमें ऑयल वाटर का कंसेंट्रेशन अपने अकॉर्डिंग रखें। दूसरी चीज़ ये है कि ये पैन की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अगर आप ये हीट कर होता है तो बहुत ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत नहीं है। हीट होने के बाद ये अपनी हीट को रिटेन भी रखता है। तो ये मेरी तरफ से तो मुझे बहुत पसंद आया था, इसीलिए मैंने इसको लिया और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। मैंने ये शॉप से ख़रीदा है। अगर आप लोग इसे लेना चाहें तो आप इसे किसी भी अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो अमेजोन का लिंक मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। लेट स्टार्ट फॉर अनबॉक्सिंग अनदर प्रोडक्ट। तो ये मेरा दूसरा है जिसमें कि मेरे पास है ये फ्राई पैन। और फ्राइंग पैन जो है मेरे पास था प्रेस्टीज का, तो मैं इसलिए लेके आई हूँ कि ये नॉनस्टिक है और इसको मैं ट्राई करके आपके इसका भी रिव्यू शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा प्रेस्टीज का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ख़राब रहा है। मुझे उसके प्रोडक्ट्स की कोटिंग और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सारे डैमेज हो गए हैं। तो इस प्रोडक्ट के साथ हमें मिला है एक स्क्रबर, एक मिला है हमें स्पैचुला। ये वुडन का है क्योंकि नॉनस्टिक में एज यू नो कि हमें वुडन यूज करना चाहिए। साथ में इसकी जो वारंटी है वो 2 साल की है और ये वारंटी कार्ड है। मैंने ये भी पेन जो है वो मैंने मार्केट से लिया है, आप इसे भी ऑनलाइन ले सकते हैं। सारे पेन जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और इसके साथ भी एक बुकलेट मिली है जिसमें आप खाने जो है वो ट्राई कर सकते हैं और दोनों बुकलेट डिफरेंट है। इसमें जो है वो फ्राइंग पैन के ही अकॉर्डिंग जो है वो बुकलेट्स मिली रही है और उसमें हमारे पास उस पैन के अकॉर्डिंग मिले हैं कि रेसिपीज आप क्या क्या बना सकते हैं। साथ में ये लिखा है इसमें कि हम इसे गैस पे यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर सकते हैं, सेरेमिक प्लेट पे यूज कर सकते हैं, हैलोजन में यूज कर सकते हैं और इंडक्शन पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ जो है ये जैसे इसमें ज्यादा प्रोडक्ट नहीं आते थे पहले इंडक्शन वाले, लेकिन मैं ये पहला प्रोडक्ट लाई हॉकिंग्स का, शायद पहले आ गए होंगे लेकिन मैंने ये पहला प्रोडक्ट लिया है उसका जो इंडक्शन पे काम करता है। इसके साथ इसका हॉकिंग्स का ही फ्यूचरा का यानी कि ये लिड है, इस पे लिखा है यहाँ पे फ्यूचरा भी, और क्वालिटी इसकी A1 है बिकॉज द ब्रांड इज सुपर। और ये तो यूज करने के बाद मैं रिव्यू जरूर दूंगी आपको इसका भी। और साथ में हमारे पास है ये सॉस पैन। तो ये जो है वो है 22
2 सेंटीमीटर का और इसकी थिकनेस जो है वो है 3.25। तो इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लगी है मुझे और आप देख सकते हैं इसे, और काफ़ी हैवी है। तो ये मैंने थोड़ा छोटे साइज का लिया है, इससे बड़ा एक साइज लूंगी मैं क्योंकि मेरा बड़ा वाला पेन खराब हो गया है। और ये वाला पेन जो है ये मैंने डेली यूज के लिए लिया है, तो आई विल यूज एंड आई विल शेयर माई रिव्यू विद यू वेरी सून। ओके, सो होप यू लाइक दिस ऑल्सो। सो इस तरीके से ये है और इस तरीके से इसका ये लिड है, साथ में है। आप लोगों को भी डिपेंड करता है, अगर आप विदाउट लिड लेते हैं तो 200-300 रुपीज लेस हो जाता है प्रोडक्ट में से, और अगर लिड के साथ रहते हैं तो उतना ऐड हो जाता है। तो ये हर एक प्रोडक्ट में होता है, आप फ्यूचरा का कोई भी प्रोडक्ट लें उस सब में ये जो चीज़ होती है कि अगर आप विदाउट लिड लेंगे तो कितना अमाउंट पड़ेगा, तो थोड़ा सा अमाउंट का डिफरेंस होता है। और इसमें मैं एक चीज़ दिखा दूँ, ये देखिए ये इंडक्शन बेस है, तो आप इसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसे 5 से 6 प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रिक पे, हीटर पे, इंडक्शन पे, हैलोजन पे और गैस पे, स्टोव पे, हर चीज़ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि उसमें पहले वाले प्रोडक्ट में क्या था कि आप सिर्फ गैस पे यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आप हीट को कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप विदाउट लीड लेते हैं तो इट विल बी 915 रुपीज INR, और अगर आप विद लीड लेते हैं तो इट विल बी 1140। सो आप देख सकते हैं 200 से 300 का ही डिफरेंस आता है हर एक प्रोडक्ट पे। सो दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फ्यूचरा जो कि मैंने अभी साथ में खरीदे थे, इससे पहले भी मैं एक लाई थी, मैं वो भी आपको जरूर दिखाऊंगी। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कितने टाइप के इनके पास जो है नॉनस्टिक पैन्स हैं। यहाँ पे तवा है, ये वाला है सॉस फ्राइंग पैन है, बड़ा फ्राइंग पैन भी है, कढ़ाई भी है। ये वाली कढ़ाई मेरे पास ऑलरेडी है पहले से, और ये तवा भी मेरे पास है। इसके साथ भी सबसे पहले एज यूजुअल रेसिपी बुक, जिसे देख के आप सबका मन करेगा कि क्यों ना आप अभी जाके इसे रेसिपीज को ट्राई करें। तो इसमें बहुत सारी जो है रेसिपीज दी हुई हैं और कंडीशंस भी दी होती हैं, तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट यूज करें गाइस उसका टर्म एंड कंडीशन हमेशा पढ़ें। इसकी वारंटी जो है वो भी 2 साल की है, मतलब कि ये है कि ये नॉनस्टिक की जो गारंटी है वो 2 साल की देता है, और बाकी जो प्रोडक्ट मैंने पहले दिखाया था हंडी वाला उसकी इसने 5 ईयर दी थी, क्योंकि वो नॉनस्टिक नहीं थी। इसके साथ भी एक लिड है, क्योंकि मैं विदाउट लिड कोई भी यूटेंसिल नहीं लेती हूँ। इसके साथ भी एक स्पैचुला फ्री है, स्पैचुला फ्री होता है बट लिड नहीं फ्री होता, लिड का मनी आपको पे करना पड़ेगा गाइस। ओके, सो ये हमारी कढ़ाई है, हमारी कढ़ाई है यहाँ। तो इसके साथ भी यहाँ पे एक हमें मिला है स्क्रबर, जो कि आप अगर इसे आराम से वॉश कर सकते हैं, और इसमें आप किसी भी तरीके का जाली का जो लोहे का आता है उस तरीके का, या फिर जो स्क्रॉच बाइट वाले आजकल आते हैं ग्रीन कलर में, उस तरीके का नॉनस्टिक भी यूज़ ना करें, सॉफ्ट वाला ही यूज़ करें एकदम। और ये जो है थोड़ा हार्ड है बट आई थिंक ये इसकी कोटिंग को नहीं उतारेगा, तो ये यूज़ करना इज टू गुड। और इसके साथ भी हमें चेतावनी मिली हुई है एज यूजुअल कॉजन्स कि डू नॉट यूज़ ऑन हाई हीट। ओके, तो ये भी हमें हाई हीट पे नहीं यूज़ करना है, और डू नॉट अलाउ पैन टू बॉयल ड्राई, तो अगर चीज़ सूख गई है तो भी हमें इसे बहुत देर तक पकाना नहीं है। तो ये एक कढ़ाई है, आप देख सकते हैं मेरे पास पहले भी थी बट अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे जहाँ मैं रह रही हूँ, इसलिए मुझे खरीदनी पड़ी कढ़ाई। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरे प्रोडक्ट्स कैसे लगे, और इसका जो प्राइस है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसका जो प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस है 1475 आई थिंक विद लिड ही है, और विदाउट लिड अगर लेते हैं तो भी लेस हो जाता है प्राइस। और मैंने जो है ये शॉप से ये प्रोडक्ट मेरे को 10% ऑफ में मिला है, क्योंकि मैंने शॉप से लिया है 1330 में। तो आप लोग जो है वो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए होगा तो मैं आई विल शेयर श्योर, और इसका जो है मैं आपके साथ रिव्यू भी शेयर करूंगी जब मैं इसे यूज़ करूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। एक पेन मैंने और लिया है गाइस जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ उसका भी कि वो पेन कैसा है, वो नॉनस्टिक नहीं है, तो मैं उसको भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, अगर आप लोग खरीदना चाहें तो मे बी इट विल हेल्पफुल फॉर यू। तो ये भी गाइस हॉकिंग्स का ही है, और इसे मैं यूज़ कर रही हूँ, ये स्टील में है, जिस तरीके की आजकल हम लोग कढ़ाई देख रहे होंगे तो मैं कढ़ाई लेने का भी सोच रही हूँ। और ये जो है वो 3 mm थिक ट्राई प्ले स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, और इसकी जो खासियत इतना हैवी है, और ये बेस्ट क्वालिटी का है गाइस,
कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये पेन नहीं लिया और अगर आप सोच रहे हैं लेने की, तो आप ट्राई प्ले में ही आज की डेट में जो है सबसे बेस्ट प्रोडक्ट चल रहा है। और इस ये जो है वो स्टील है, तो आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आई जस्ट लव दिस पेन। और इसी पेन के बाद मैं जो है वो और भी पेन वहाँ से खरीद के लाई थी, तो इसका लेट तो मुझे नहीं मिला था उनके पास ओरिजिनल, तो ये मुझे मिला है 1300 में विद लेट और आफ्टर डिस्काउंट, तो 10% का डिस्काउंट मिला था, उसके बाद मुझे ये 1300 में पड़ा है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप स्टील का कोई प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एल्युमिनियम से बेटर है स्टील, तभी मैं आजकल कढ़ाई लेने का भी सोच रही हूँ। तो गाइज ये मेरे सारे तीनों प्रोडक्ट जो मैंने फ्यूचर के खरीदे हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये अनबॉक्सिंग कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से इनका रिव्यू शेयर करूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो गाइज यही था आज की अनबॉक्सिंग, और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगे। और अगर आप लोगों की आगे कोई इच्छा है कि मैं कोई और रिव्यू या कोई अनबॉक्सिंग शेयर करूं आपके साथ, ये किसी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनका रिव्यू जल्दी से जल्दी शेयर करूं, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल प्रेस करके सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए लाने वाली हूँ। और मेरा एक और चैनल है, अगर उसमें भी अभी तक आप लोग कनेक्टेड नहीं है, मोना फूड एंड ट्रैवल, तो प्लीज़ उसके साथ भी जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, ताकि वहाँ पे मेरी जितनी भी रेसिपीज की वीडियो हैं वो आपको जल्दी से मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।